हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। देखिए 11 बज रहे हैं, मैं आज छत पे थोड़ा लेट आई। थोड़ा बंदर जो है न्यूसेंस करके गए हैं, तो वही देखने आई थी कि क्या क्या तोड़ के गए हैं, क्या क्या फेंक के गए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ उनका न्यूसेंस, क्या क्या उन्होंने किया है। ये देखिए, इसमें बैगन लगे थे तो ये आधे खाए हैं, आधे फेंके हैं, और मेरे लिए सफाई का काम बढ़ा गए हैं। ये ऐसे ही होता है न्यूसेंस हर बार। देखिए यहाँ बैगन लगे हुए हैं और अभी पूरे पक भी नहीं पा रहे हैं, और तोड़ तोड़ के वो पूरा उसको फेंके दे रहे हैं। ये देखिए नारंगी का पौधा है, इतनी खट्टी होती है नारंगी कि हम लोग नहीं खा सकते हैं, पर वो खा के और यहाँ देखिए फेंक के गए हैं। ये कुछ बैगन बचे तो मैंने कहा तोड़ ही लूं, नहीं तो ये भी जो है पूरे एकदम खा के फेंकेंगे। ये देखिए ये तुरई की बेल जा रही है, फ्लावर्स तो आ रहे हैं बट अभी कोई भी फ्रूट नहीं निकल रहा है इसमें। आजकल मौसम भी अच्छा है, धूप बहुत तेज नहीं रह रही है बिकॉज बरसात बहुत हो रही है, तो इस समय भी बहुत गर्म नहीं लग रहा है छत पर। ये देखिए यहाँ पर जो है ये छोटी छोटी चिलीज हैं, ग्रीन चिलीज, ये बहुत तीखी हैं। कल हस्बैंड ने खाई, मैं तो खाती नहीं हूँ, हस्बैंड ने ही खाई थी, वो बोले बहुत तीखी है भाई ये तो, और छोटी साइज रहती है बस ये, लेकिन बहुत तीखी है। ये मैंने स्नेक प्लांट को अभी रिपोर्टिंग कराई, इसको एक प्लांट था मेरे पास तो इसको तीन जगह पे मैंने उसको वो करा दिया है। इस समय मौसम है तो ये हो रहा था थोड़े से पॉट्स बढ़ भी जाएं, और छोटी बेटी को भी थोड़े से चाहिए तो उसको भी दे आऊँगी जब जाऊँगी। ये मैंने लास्ट ईयर नींबू में देखे कलम लगाई थी और फिर मैंने इसको यहाँ इसमें लगवा दिया था पॉट में, और इसमें भी अब फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं, आई थिंक फल आ जाएंगे इस बार इसमें। ये देखिए मेरा जो मैंने सेंटर में छत पे डेकोरेट किया था वो अभी ऐसे ही चल रहा है, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं और टाइम भी नहीं मिल रहा था। और एक फ्रेंड ने कमेंट करा कि आप ऐसे दिखाते हो बड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है, हम लोग फ्लैट में रहते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी छत नहीं होती है, तो इसमें कोई डिप्रेशन की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्लैट वाले फ्लैट में भी दुखी हैं, घर वाले घर वाले घर में भी दुखी हैं, बिकॉज एवरीवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम। ये देखिए यहाँ पे करेले निकल रहे हैं, बट ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा भी बड़े होते हैं ये पीले पीले होने लगते हैं, तो मैं छोटा जब होता है तभी तोड़ लेती हूँ, और वो अच्छे भी लगते हैं खाने में, ताजे ताजे बनाने में। ये देखिए यहाँ भी हैं, ये देखिए एक इतना छोटा है बट ये पीला होने लगा। बरसात बहुत हो रही है इस समय तो सब चीज़ें लाइक कुछ में तो कीड़े भी पड़ रहे हैं, बिकॉज आई थिंक ये बरसात की वजह से ही हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे लेमन्स लगे हुए हैं, उनको भी मुझे तोड़ना है बट काफ़ी ऊपर है तो मैं तो पहुँच ही नहीं पाती हूँ। आई कीप ऑन वेटिंग कोई मुझे मिल जाए तो मैं तोड़वा लूँ इनको। कुछ कुछ तो नीचे लड़ गए हुए हैं तो उनको तो मैं पहुंच जाती हूँ, बट ऊपर वाले तो मैं नहीं पहुंच पाती। देखिए अभी मैं नया पौधा लेके आई हूँ, ये इनको शेड में ही रखा हुआ है, थोड़ा सा फर्म हो जाए वो, स्ट्रॉन्ग आ जाए उसकी रूट्स, तब फिर इधर शिफ्ट करूँगी। सो दिस इज माई हार्वेस्ट ऑफ द डे, बाय बाय। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान करे आप सब लोग स्वस्थ रहें और अपने काम में निरंतर लगे रहें, यही दुआ है। और देखिए मैं ये फ्लावर्स तोड़ने आई हूँ अभी, इसकी मैं एक माला बनाऊंगी अपने लड्डू गोपाल के लिए। ये वैसे तो दिवाली पे हम लोग को ये माला जो है हम लोग चढ़ाते हैं लक्ष्मी गणेश पे, बट अब छत पे लगा हुआ था तो मैंने कहा कि अपने लड्डू गोपाल के लिए भी बना लूं। तो मैंने ये देखे कुछ फ्लावर्स तोड़ लिए हैं, इनको मैं माला बना लूंगी इसकी।
ये देखिए माला रेडी हो गई है। अब इसके बाद मैं कुछ प्रसाद वगैरह बनाऊंगी शाम की पूजा के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए ये मैंने दही जमा दिया है जिसका पंचामृत बनेगा। आप सबके यहाँ भी यही सब बनता होगा। इसके बाद मैं बनाऊंगी खरबूजे की बीज की कतली। ये देखिए खरबूजे की कतली तैयार हो गई है। और एक चीज़ मैंने बनाई है, अब आप लोग वैसे तो जानते होंगे सुठौरा जिसको हम लोग कहते हैं, सौंठ डाल के उसको गुड़ में वो मूंगफली दाने के साथ उसको कतली जैसा जमाते हैं, वो हमारे यहाँ क्योंकि हमारी मदर इन लॉ बनाती थी तो वो चलता चला आ रहा है ट्रेंड, तो मैंने वो भी बनाया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बनाया है सुठौरा, इसको सुठौरा कहते हैं हमारे यहाँ। वो आप लोग के यहाँ क्या यूज़ होता है टर्म मुझे नहीं पता। ये एक्चुअली मूंगफली और गुड़ और सौंठ को मिला के बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो एक मैंने ये बनाया है और एक ये कतली बनाई है। बहुत कुछ नहीं बनाया है क्योंकि हम ही दो लोग हैं, तो ज़्यादा कुछ प्रसाद फिर बहुत ज़्यादा चीनी एंड गुड़ हो जाता है और पंचामृत बनना ही है, तो आज इतना ही बनाया है। और थोड़े से मखाने को मैं गुड़ में पागूंगी। ये देखिए ये मैंने बीज और खरबूजे के बीज हैं और कोकोनट पाउडर है, इनको मिला के एक बर्फ़ी ऐसे जमा दी है। ये भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आई थिंक त्यौहार पे मीठा ही ज़्यादा बनता है और मीठे के लिए मना किया जाता है, बट ठीक है चलिए आज खाइए फिर हफ्ता भर की छुट्टी। ये देखिए मैंने अपना मंदिर सजा लिया है और ये हमारे कृष्ण जी की जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत पुरानी है, ये मेरी मदर इन लॉ के टाइम की है। वो कहीं भी जाती थी इनको लेके जाती थी साथ में, और हस्बैंड ने भी उनको बहुत संभाल के ही रखा हुआ है। ये देखिए ये देखिए ये मेरे मंदिर का ऊपर का व्यू, ऐसे हम लोग ने फेरी लाइट्स थोड़ी सी लगा दी हैं, प्लांट्स लगा दिए हैं। एक सिंबॉलिक होता है कि हम लोग कर लेते हैं बिकॉज अकेले तो इतना होता नहीं है, तो प्लांट्स वगैरह लगा के उसको सजा दिया है मंदिर को। और यहाँ देखिए ये प्रसाद भी रख दिया है और पूजा करने जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए मेरे छोटे से लड्डू गोपाल यहाँ बैठे हैं। आप लोग भी पूजा करिए और सबके स्वस्थ रहने की कामना कीजिए। See you in my next video. Till then, stay happy, stay blessed. Bye-bye.